मनुष्य में पोषण की कितनी स्थितियां देखने को मिलती हैं? तो इसका उत्तर है 2। 3। शरीर में टूट फूट के निर्माण हेतु किस भोजन घटक का सेवन आवश्यक होता है? तो इसका है प्रोटीन। जिसका अर्थ है शरीर में अधिक से अधिक पोषक तत्व प्राप्त करना, ताकि वह यथासंभव स्वस्थ रह सके और कुशलता से कार्य कर सके। तो एप्टम पोषण। पादप उत्पत्ति का भोजन है द अनाज। कुपोषण का कारण है नींद में भी कमी, गृष्ट भोजन भी, सभी उपरोक्त सभी कुपोषण का कारण है। निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण है तो सा गृष्ट भोजन। वह पदार्थ जो खाने योग्य होता है और शरीर को पोषण देता है उसे क्या कहते हैं? सा पौष्टिक तत्व। किसके अनुसार भोजन वह है जो पचाया जा सकता है? तो चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है? तो इसका उत्तर है सा स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है? तो इसका है आ प्राथमिक। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है? तो उपरोक्त सभी। मानसिक तनाव कम करना, भावनाओं को व्यक्त करना, भावनाओं को संतुष्ट करना, ये सभी। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म पोषक तत्व के अभाव के कारण कुपोषण होता है? तो द आयोडीन, विटामिन ए, लोह, लवण, उपरोक्त सभी। आहार से क्या आशय है? तो जो पचाया जा सके, जो शारीरिक वृद्धि के विकास में सहायक हो, जो ऊर्जा प्रदान को, उपरोक्त सभी। अपर्याप्त भोजन का क्या प्रभाव होता है? तो उपरोक्त सभी। उत्तम पोषण क्या है? तो इसका है सुपोषण। पदार्थों को कितने समूह में बांटा जाता है? तो द उत्तर 7। शरीर निर्माणक खाद्य पदार्थ हैं? तो द दाल। आवश्यक अमीनो अम्ल की उपस्थिति बताता है जबकि मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन पदार्थ ऊर्जा उत्पन्न करने वाला है? तो आलू, चावल, अनाज, ये सभी। अत्यधिक ऊर्जा किस पौष्टिक तत्व से प्राप्त होती है? तो वसा। चिकित्सीय आहार है तो सामान्य आहार, तरल आहार और सम आहार, सभी। आहार का आधा भाग बना होना चाहिए अनाज एवं सब्जियों से। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उचित पोषण, उचित रहन सहन, नियमित व्यायाम, उपरोक्त सभी। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है तो स्वास्थ्य एवं कार्य कुशलता प्रदान करना। तो आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। मानव शरीर के किन कार्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो अच्छे कार्यों के लिए, अनैच्छिक कार्यों के लिए, शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। 1 ग्राम वसा से कैलोरी की प्राप्ति होती है? तो द 9 के। उत्तम पोषण व्यक्ति की विशेषता है? तो कर्मठता, कम थकान, शारीरिक हष्टपुष्टता, उपरोक्त सभी। सलाद की प्लेट के लिए आवश्यक नहीं है? तो द खीर। बच्चे के जन्मदिन की पार्टी देते समय ध्यान रखना चाहिए? तो आर्थिक स्थिति, सम्मिलित होने वाले सदस्यों की संख्या और शैली, उपरोक्त सभी। आहार आयोजन करना एक कला है। त्योहार के लिए भोजन व्यवस्था हेतु आवश्यक है? तो भोजन निश्चित करना। कौन सा आहार संतुलित आहार के लिए आवश्यक है? तो दूध, फल, चपाती, ये सभी। आहार आयोजन के समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उपरोक्त सभी। रात्रि में भोजन लेना चाहिए? चाय, समोसा, पापड़, इनमें से कोई नहीं। इनमें मानव की प्रथम आवश्यकता है भोजन। आहार आयोजन एक प्रक्रिया है? तो मानसिक। परिवार के भोजन के स्तर निर्भर नहीं करता? तो गृहिणी की सामाजिक सहभागिता पर। आहार आयोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है खाद्य सामग्री, चयन एवं खरीदारी, आहार तैयार करना, आहार को आवश्यकता अनुसार परोसना। निम्नलिखित में से स्वास्थ्य प्रभावित करने वाला कारक है? तो वह सामाजिक वातावरण। संतुलित आहार में होना चाहिए बस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त सभी। 7 खाद्य समूह में द्वितीय समूह के वर्ग में कौन से विटामिन के खाद्य पदार्थ रखे गए हैं? तो विटामिन सी। 7 खाद्य समूह के चतुर्थ वर्ग में शामिल खाद्य पदार्थ हैं? तो प्रोटीन प्रदान करने वाले खाद्य हैं तो अंडा, मांस, मछली, उपयुक्त सभी। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व तो हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सभी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऊर्जा प्राप्त करने वाला कार्बोहाइड्रेट हो, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करने वाला वसा है। चतुर्थ समूह में कौन से भोज्य पदार्थ आते हैं? तो दूध एवं दूध से बने पदार्थ। शिशुओं एवं बालकों को दिन में दूध देना चाहिए? तो 3 से 4 बार। सामान्य आहार कहलाता है संतुलित आहार। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने 1993 में आधारभूत भोज समूह बताए हैं? 5। ICMR के तृतीय समूह दूध एवं दुग्ध उत्पाद से प्राप्त होने वाला पौष्टिक तत्व है? द प्रक्षर। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है? तो आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए। शरीर के 1 ग्राम प्रोटीन लेने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 कैलोरी।
आवश्यकता से अधिक वसा एवं कैलोरी का परिणाम है तो सा मोटापा। पोषण कितने प्रकार का होता है तो आ दो प्रकार का। उपचारात्मक पोषण कहलाता है तो बीमारी के दौरान उपचार के लिए दिया जाने वाला हत्ता। पोषण स्थितियां होती हैं तो चार, जब भोज्य तत्व मात्रा एवं गुणों की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार ना हो तो उस आहार को कहते हैं सा अपर्याप्त पोषण। कुपोषण के लिए उत्तरदायी है निर्धनता मिलावट उपयुक्त सभी। अपर्याप्त पोषण को कहा जाता है अपोषण। पौष्टिक तत्वों में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है तो सा भोजन। मानव जीवन का प्राथमिक आवश्यकता है तो भोजन। अनुचित परिस्थिति है तो द उपयुक्त सभी। अत्यधिक कारभार अस्वस्थ वातावरण नींद की कमी। आहार आयोजन का महत्व है किसी अवसर पर भोजन की विशेष व्यवस्था करनी पड़ती। C2H12O6 किसका सूत्र है तो ग्लूकोज का। भोजन कराने का स्थान होना चाहिए तो साफ सुथरा। खाद्य समूह कितने प्रकार के प्रचलित हैं तो दो प्रकार के प्रचलित हैं। सात खाद्य समूह के प्रथम समूह का फल है तो पपीता आम कद्दू उपयुक्त सभी। भोज गाइड ने भोज पदार्थों के दूसरे समूह में शामिल किया तो उपयुक्त सभी। हरे पत्तेदार सब्जियां पीले सब्जियां विटामिन सी युक्त फल और सब्जी। पोषण तत्वों के मुख्य रूप से कितने समूह विभाजित किया गया है तो द छः।